आखिर है कौन ये मैडम जी? मैं बताती हूँ। मैडम जी वो औरत है जो अपने चंगुल में फंसी हर औरत को ये एहसास दिलाती है कि औरत होना एक श्राप है। शहद सी मीठी जुबान, पन पत्थर जैसा दिल, मैडम जी को छेड़ना यानी एक शेरनी को छेड़ना। वो अपने शिकार को अपने चंगुल में दबा कर रखती है। मोहन मदन शर्मा, MMS के नाम से जाना जाता है। सब मैडम जी की परछाई बोलते हैं उसको। मैडम जी के पानी के ग्लास से उनका मोबाइल तक सब कुछ वही थमाता है उन्हें। सारे गलत धंधे करती है वो औरत। और बड़े से बड़े सरकारी नौकर तक उसकी जेब में। क्योंकि उनकी हर बुरी आदत का जवाब खाली मैडम जी है, इसीलिए पुलिस चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देवी जी से कह रही हैं, हमारे डिपार्टमेंट में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके लिए काम करते हैं, और जब कभी भी हम रेड डालते हैं तो उनके खिलाफ हमारे हाथ में कोई सबूत नहीं होता, और जब कभी कोई सबूत लगता भी है तो ऊपर से फोन आ जाता है उन्हें छोड़ने के लिए। देखने में जमुना हाउस एक आम घर जैसा है, मगर रात होते ही ये मंडी के रूप में बदल जाता है। वहां पे बोलियां लगती हैं, बच्चों की, लड़कियों की, हर तरह के नशे की, और उस बोली को सुनने के लिए हर तरह के खरीदार वहां पर आते हैं। ये सब कुछ जानते हुए भी हम उनका कुछ नहीं कर सकते, और कभी हम वहां पर रेड भी डालते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं लगता। वहां के कायदे कानून सिर्फ मैडम जी तय करती हैं। मैं उस औरत की ताकत को अच्छे से जानती हूँ, इसलिए अब मुझे अपनी गुड़िया की बहुत चिंता हो रही है। वो चाहे कोई भी हो, मेरी बच्ची उसके पास, और मैं यहां चुपचाप नहीं बैठने वाला। नहीं पार्थ, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, इसमें हमें कानून की मदद लेनी होगी, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी पुलिस अपने फोर्स के साथ वहां जाकर हमारी पोती को उनके चुंगल से छुड़ाकर वापस ले आएगी। दादाजी, हमें जो कुछ भी करना होगा बहुत सोच समझ के करना होगा, क्योंकि मैडम जी वो चीज है, इसको अगर भनक पड़ी ना पुलिस के आने की तो वो हमारी बच्ची को ऐसी जगह गायब करेगी जहां से हमारी बच्ची के आने की हर उम्मीद टूट जाएगी। वो चाहे कितने पहरे लगा ले, पर मुझे मेरी बच्ची को वापस लाने से रोक नहीं पाएगी। जिसे गुस्से से काम नहीं चलेगा पारा, उस औरत की ताकत और उसके आदमियों को मैं अच्छे से जानती हूँ। वो लोग बहुत खतरनाक हैं। वो जगह नर्क है नर्क। श्रीनाथ जी, ये कैसा अनर्थ हो गया? इसी जान है वो, और वो लोग पता नहीं। इंदुमा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा हमारी इप्सिता के साथ। और फिर हमारे कान्हा जी है ना, आपको उन पे भरोसा नहीं है क्या?
क्या जवाब दूंगा शौर्य को मैं, उसकी एक अमानत संभाल के नहीं रख पाया। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। भरत संभाल खुद को। तेरी सरवरी ये भी कहती थी ना कि जब एक रास्ता बंद हो जाए तो भगवान जी दूसरा रास्ता खोल देते, हमें बस वो रास्ता खोजने और अपनी गुड़िया को वापस लेके आने। जो हम करेंगे, हिम्मत मत हार। एक रास्ता है, अंडरकवर ऑपरेशन के तहत कोई ऐसा हो जिसके ऊपर उनको शक ना हो, किसी भी तरह उनके ग्रुप में शामिल होकर कैसे भी उनका भरोसा जीते और बच्ची के बारे में पता करें। बच्ची का पता लगते ही बड़ी सावधानी से उसे वहां से लेकर निकले, तब पुलिस भी मदद कर सकती है। लेकिन ध्यान रहे, ऐसा करने में उसे बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। उसका एक गलत कदम बच्ची के साथ उसकी जान को भी खतरे में डाल सकता है। मगर ऐसा होगा कौन जिस पर हम भरोसा कर सके और जो इतना बड़ा खतरा उठाने को तैयार हो। मैं तैयार हूं। मैं जाऊंगी अपनी बच्ची को बचाने। मैडम जी को जानती हूं मैं, एक बार उनसे मुलाकात हो चुकी है, इसलिए उसको मेरे पे आसानी से भरोसा हो जाएगा और ऐसी जगहों के रंग ढंग में अच्छे से समझती, इसीलिए मैं जाऊंगी वहां पे अपनी बच्ची को उस नर्क से वापस लाने। तू वहां नहीं जाएगी। हाँ देख टेरी, हम तुझे वहां नहीं जाने देंगे। तेरी जान को खतरा हो सकता है और तू समझती क्यों नहीं है, हम शौर्वरी को पहले ही खो चुके हैं। तुझे खो दिया तो हम जी नहीं पाएंगे। संभालिए दादी जी खुद को, जी तो मैं भी नहीं पाऊंगी ना अपनी इप्सिता के बिना। और आपको किस बात का डर है, एक मां जा रही है अपनी बच्ची को बचाने और मैं अपनी बच्ची को वापस लेकर ही आऊंगी, और फिर मेरे ऊपर श्रीनाथ जी का आप सबका आशीर्वाद है ना। हिम्मत से काम लीजिए। टेनी जी के वहां जाने से उन लोगों को उन पर शक होने के चांस बहुत ही कम है। आई थिंक टेनी जी के वहां जाने का आइडिया बिल्कुल ठीक है। ये ठीक नहीं है। इप्सिता मेरी बच्ची है, मेरी और शौर्वरी की, और उसे बचाने की जिम्मेदारी मेरी। मैं खुद बचाऊंगा अपनी बच्ची को और अपने तरीके से, क्योंकि तुम्हारा तरीका ठीक नहीं है। पारस जो तू सोच रहा है वो नहीं हो सकता। ये कैसी जिद पे अड़ गया तू पारस। क्या रहते दिमाग में पारस, तू जैसे सोच रहे ना वैसे इप्सिता को नहीं ला सकता। वो लोग बहुत खतरनाक है, मैं तेरे को कहीं नहीं जाने दूंगी, समझा तू। मुझे पता है तुझे इप्सिता की बहुत चिंता, पर तेरा एक गलत कदम हमारी इप्सिता की जान को खतरे में डाल सकता है। अरे मैडम जी की रग रग से वाकिफ हूँ मैं, वो बहुत खतरनाक लोग हैं और तू उनसे पार नहीं पा सकता। मुझे पता है तुझे उसकी बहुत चिंता है, पर उसे वापस लाना तेरे बस की बात नहीं है। मेरी बस की बात नहीं है और तुम्हारे लिए आसान है, क्योंकि तुम उसकी माँ नहीं और तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे उसकी परवाह नहीं है। अगर तू उसका बाप है ना पारस, तो मैंने भी उसे अपनी कोख में पाला है।
जितना गहरा नाता तेरा है ना उससे उतना ही मेरा भी, और बोलता है मुझे उसकी परवाह नहीं है। एनी, एक बात अच्छे से समझ लो, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो मुझे रोकने की, पर मैं अपनी बच्ची को वापस लाने के लिए दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ सकता हूँ। अच्छे से जानती हूँ कि तू अपनी बच्ची को वापस लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, पर तेरी हर कोशिश वहाँ बेकार हो जाएगी। क्या करेगा तब तू? पैसे की कोई कीमत नहीं है वहाँ पे भारत। अगर इतना को कुछ हो गया तो क्या करेगा? जवाब दे, है तेरे पास कोई जवाब? बोल, नहीं ला पाया उसे वापस तो क्या करेगा? दुनिया में हर चीज की कीमत होती है। जैसे अपने बच्चे के सपने की कीमत चुकाई थी मैंने, वैसे ही अपनी बच्ची को आजाद कराने की कीमत भी चुका सकता हूं मैं। कीमत की बात कर रहे हैं तू मुझसे? तुझे मैं बताती हूँ कीमत क्या होती है। अरे धंधा करते हैं वो लोग, औरतें बच्चे हर चीज का धंधा करते हैं वो लोग, उनके खरीदार और उनके बाजार तय होते हैं। तेरे को लगता है तू एक बार उनको पैसा देगा और उनकी भूख मिट जाएगी? भारत, ऊपर से एक नए खरीदार के साथ सौदा करने की गलती वो कभी नहीं करेंगे। देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती, एक माँ तेरे से विनती कर रही है, वादा कर रही है कि तेरी बच्ची को ला के देगी। वादा यही कहा था ना तुमने जब तुम शर्वरी को वापस लाने गई थी, और तब मैंने तुम पे विश्वास किया था, और तुमने क्या किया? शर्वरी को रास्ते से हटा दिया, और अब तुम चाहती हो कि इस बार फिर अपनी बच्ची को वापस लाने के लिए मैं तुम पे विश्वास करूं? हट जाओ मेरे रास्ते से। बस, बहुत सुन ली मैंने तेरी बकवास। अगर तेरे को मेरे पे भरोसा नहीं है ना भारत, तो ये बात मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तू उस नर्क से इफ्तिता को वापस नहीं ला सकता। अगर इफ्तिता तेरा और सर्वरी का खून है ना, तो मेरा भी अंत है, और मैं अपनी बच्ची की जान किसी की वजह से खतरे में नहीं पड़ने दूं। मुझे माफ कर देना। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। माफ कर देना फर, पर मेरी बच्ची की आजादी तेरी आजादी से बढ़ के। पर हाँ, तेरे से जो वादा मैंने किया अपनी बच्ची को वापस लाने का, वो जरूर निभाऊंगी। तेनी, तेनी तुम अकेले ऐसा नहीं कर सकती। तेनी रुक जाओ, मेरी बात सुनो। माफ कर देना। तेनी, तेनी रुक जाओ, माँ, दरवाजा खोलो कोई प्लीज। दादाजी, दादी, प्लीज छोड़ दो, छोड़ दो इसे, जाने दो, प्लीज, मत मारो, मत मारो, मत मारो इसे, प्लीज मत मारो, मेरे को गायब करती, प्लीज छोड़ दो इसे। आखिर आप लोगों ने टैनी को वहां पे जाने कैसे दिया? काश कि आप लोगों ने पहले दरवाजा खोल दिया होता, तो मैं कभी न जाने देता उसे वहां। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? ये हमारे घर का मामला है, आप लोग उसकी जान खतरे में क्यों डाल रहे हैं? आप जानते हैं ना कितना खतरा है वहां पे। मैडम जी, आपके हाथ जोड़ दी, मत मारो उसे। लड़का खूबसूरत है, इसमें ऐसा क्या देखा जो इस पे फिसल गया? सद के जाऊं तो जैसे दीवाने पे। काश, काश मेरा भी कोई आशिक होता जो मेरे लिए इतना दर्द बर्दाश्त कर पाता, मेरे लिए इतनी तकलीफ सहता। मैडम, मैडम जी, तुम चाहे मुझ पर जितने भी जुल्म कर, लेकिन मैं अपनी प्रिया को यहां से लेकर ही जाऊंगा। इश्क ना इंसान का दुश्मन है,
और मेरा दिल बहुत नाजुक है। धोखा, दुश्मनी, फरेब, ये मेरा दिल झेल नहीं पाता। तभी तो ऐसी कोई भी चीज पनपती है ना, तो उससे पहले ही ना मैं उसको कुचल देती हूँ। ये मैडम जी का आशियाना है, यहाँ कौन आएगा कौन जाएगा ये मैं तय करूंगी। अफसोस होता है मुझे तुझ जैसे बेवकूफों पर। इश्क की बीमारी में जिंदगी जीने के सपने ऐसे बुन लेते हैं कि मौत को गले लगा लेते हैं। ले जाओ इस मजनू को और मौत को इसकी लैला बनाकर मिलन करा देना। नहीं, छोड़ दो उसे। मैडम जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, जाने दीजिए उसे, छोड़ दीजिए, मत मारो उसे। चुप हो जा, रो रो के शक्ल खराब कर ली है। देख, तेरी प्रेम कहानी गई, खत्म। अब धंधे पे लग जा। पहली गलती मैं हमेशा माफ करती हूँ। पूछ इससे कितना बड़ा दिल है मेरा। लेकिन दूसरी गलती पे मैं फांसी देती हूँ। ले जाओ इसे। खट्टू नहीं कह पात, तू बात को समझ नहीं रहा है। अरे टेढ़ी, उन लोगों को अच्छी तरह, लोगों ने हमेशा हमेशा मेरे बजाय उसका साथ दिया। मैंने बर्दाश्त किया, मगर आज भी आप लोग उसी की सुन रहे हैं। मुझ पे भरोसा करने के बजाय आप लोग उस पे भरोसा कर रहे हैं। हाँ, साथ दिया है हमने उसका। क्योंकि तेरी इतनी नफरत झेलने के बाद भी उस लड़की ने उफ तक नहीं की। तुझे क्या लगता है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि तुझे इस बात का बुरा नहीं लग रहा कि हम टैनी का साथ दे रहे हैं? तकलीफ तो तुझे इस बात की है कि तेरी लाख नफरत भी उसके दिल में तेरे और तेरे बच्चे के लिए प्यार मिटा नहीं पाई। अरे पार्थ बेटा, तू समझता क्यों नहीं है कि वो अपनी जान की परवाह किए बिना वो तेरी बच्ची को बचाने गई है? क्यों, किस लिए? देख बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सच तेरे सामने है, बस जरूरत है उसे उसे मानने की, टैनी का साथ देने की। टैनी का साथ दे डिकरा, बस। बहुत रोक लिया तूने अपने आप को, बहुत दिखा ली झूठी नफरत। सच ये है पार्थ कि तुझे टैनी की आज भी परवाह है, पर तू इस बात को बस झुटलाने में ही लगा हुआ है। सच को मान ले पार्थ, अपने आप से लड़ना बंद कर। हे गणपति बाप्पा, मेरे को शक्ति दो ताकि मैं अपनी बच्ची को सही सलामत घर ला सकूं।